नमस्कार, आरोग्य में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त आंचल। अब समय हो गया है आप सभी की सेहत के नाम। आज हम लोग बात करेंगे महिलाओं में पाई जाने वाली PCOD यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज, या फिर हम लोग कहते हैं उसको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। क्या है ये बीमारी, आइए जानेंगे इस खास रिपोर्ट में। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में महिलाएं अपने स्वास्थ्य की अनदेखी कर रही हैं, जिसका खामियाजा उन्हें विवाह के बाद भुगतना पड़ता है। लड़कियों को पीरियड्स शुरू होने के बाद उनके अपने स्वास्थ्य पर खास तौर से ध्यान देने की आवश्यकता होती है। PCOD की वजह से महिलाओं के चेहरे पर बाल उगाना, बराबर मुहासे होना, पिगमेंटेशन, अनियमितता रूप से पीरियड्स का होना और प्रेगनेंसी में मुश्किलें आना शुरू हो जाती है। इस समस्या को पैलियोसिस ओवरी डिसीज यानी कि PCOD के नाम से जाना जाता है। आज करीब 30% महिलाएं इस बीमारी से ग्रस्त हैं, जबकि चिकित्सकों का माने तो इस बीमारी की शिकार महिलाओं की संख्या में कई गुना इजाफा हुआ है। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है हरिद्वार कनखल के जाने माने सुप्रसिद्ध वैद्य दीपक कुमार जी। तो चलिए अब इनका स्वागत करते हैं। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। वैजी, हम लोगों का आज जो विषय है वो है PCOD। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या है ये बीमारी और क्या इसके शुरुआती लक्षण होते हैं। आंचल जी, PCOD पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, ओवरी के अंदर कई बार गांठें बनने लगती हैं। कई बार लेडीज़ के अंदर मेन हार्मोन एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण गांठें बनने लगती हैं और वह गांठें नहीं फूट पाती, जिसके कारण बहुत ज़्यादा पेट में दर्द, पीरियड्स करना आना या पीरियड्स में बहुत ज़्यादा दर्द होना, बांझपन होना, बच्चे उत्पन्न ना हो पाना, कंसीव ना कर पाना, उल्टी, उबकाई और कुछ कारण और हैं, जैसे कि एक थायराइड में भी इस प्रकार की दिक्कत होती है। कई बार जब थायराइड बढ़ जाता है तो ये बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। इसमें अक्सर पीरियड सर्किल डिस्टर्ब हो जाता है और इस बीमारी में इतना ही कहूँगा, समल मूत्र यानी कि मूत्र और शौच, शमल मूत्र अवरोध से होते रोग अनेक, समुचित रज निरोध से संख्या न आमे एक, यानी कि एक बीमारी नहीं कई बीमारी उत्पन्न होती हैं। मासिक के अवरोध से रोग अनेक प्रकार, करता विश्लेषण यहाँ होता अति हितकार, अपस्मार उन्माद हो मूर्छा शूल विकार, नेत्र शक्ति की क्षीणता होती अपरपार, यानी कि आंखें तो हमारी कमज़ोर पड़ती हैं, कई बार बेहोशी आने को हो, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो और पीरियड के डिस्टरबेंस के कारण कई बार मृगी यानी कि दौरे की भी शिकायत हो जाती है। बीमारी अगर इसका सही समय पर निदान ना किया जाए तो आगे चलकर कंसीव नहीं होता और बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। बिल्कुल। और दर्शकों, यदि आप हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं आप उन पर कॉल कर सकते हैं। इस तरह की समस्या या अन्य किसी भी तरह की समस्या, कोई परेशानी, शरीर में किसी प्रकार की कई सालों से कोई बीमारी है तो आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और शुरुआती दौर में ही हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, तो जान लेते हैं उनकी भी क्या है परेशानी। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, आप अपना नाम बताएं। अरे मैंने बता दिया, एक बार लगवा के मैं डॉक्टर साहब से बात कर रही हूँ। जी बोल रहा हूँ बहन जी। मैं डॉक्टर साहब ये कह रही कि मेरे जैसे हड्डी झूली जी, अब वो दर्द है पेट में, नसों में जी, तो ये कैसे निकलती है, क्या हुआ इसका निकलने का? आपको हर्पीस जोस्टर हुई ना जी? हर्पीस जोस्टर थी, कहाँ किस पार्ट में क्या हुआ आपको? अच्छा बहन जी, एक तरह का वायरस है जी। हाँ। आप बोले। हाँ जी, मैं ये कह रही कि जैसे ये निकली है तो ऊपर से छाले तो मैंने सही कर लिए जी, क्रीम व्रीम लगा के, लेकिन मेरे अंदर का दर्द नहीं जा रहा। ठीक, और कोई दिक्कत? हाँ, पहले इसकी बताइए फिर दूसरी बात बताऊंगी। ठीक बहन जी, एक प्रकार का वायरस इन्फेक्शन है जो नस में चलता है, इसको विसर्प भी कहते हैं, जनेऊ भी कहते हैं, कुछ लोग नागन भी कहते हैं, और हर्पीस जोस्टर में 6 महीने तक कई बार इसका बहुत ज़्यादा असर रहता है। उस जिस नस में ये वायरस चलता है, बहुत ज़्यादा दर्द, जलन
और हवा भी इसमें बहुत बुरी लगती है, कपड़ा भी ऐसा लगता है किसी ने चक्कू से काट दिया हो। इसके लिए बहुत अच्छा होगा सांप की बांबी की मिट्टी यदि आपको मिल जाए तो उसका लेप करें, यदि वो उपलब्ध ना हो तो गोपी चंदन मार्केट से मिलता है, आप उसको पेस्ट बना करके लगाएं। और यदि गोपी चंदन भी उपलब्ध ना हो तो आप मार्केट से चंदन बला लाक्षादी तेल ले लें और उसके अंदर कपूर मिला करके आप उसको लगाएं, आपको आराम लगेगा। और दवाई यदि बहुत ज़्यादा दर्द है तो आप महायोगराज गुग्गुल, कैशोर गुग्गुल और रक्त विकार नाशक, इन तीनों की दो दो गोली दो बार सेवन करें। और यदि असर आपको लगे कि कम है तो गिलोय घनवटी, जिसको संशमनी वटी भी कहते हैं, और साथ में नीम घनवटी, इन दोनों की दो दो गोली लें। मैं आपको उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। जी, हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपकी कोई भी जो परेशानी बनी हुई थी, वैजी ने जो आपको ट्रीटमेंट बताया है, यदि आप इसको करेंगे तो निश्चित रूप से ही आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। और हम लोग उन सभी दर्शकों से बोलना चाहेंगे जो हमारा कार्यक्रम ये देख रहे हैं, यदि आपके जीवन में या आपके किसी मित्र के या परिवार में किसी को भी किसी प्रकार की समस्या बनी हुई है, कोई बीमारी सालों साल से है, तो बिल्कुल भी देर ना कीजिए। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल ज़रूर करिए। वैजी, हम लोग अभी बात कर रहे थे महिलाओं में पाई जाने वाली जो PCOD है, ये जो ये डिसीज़ होती है, ये किसी महिला के लिए किस हद तक के लिए परेशानी बन सकती है? आंचल जी, हर महिला का एक सपना होता है माँ बनना, और कई बार हम इस बीमारी का ट्रीटमेंट ना करें तो पीरियड निश्चित रूप से डिस्टर्ब होते ही हैं और कंसीविंग में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, और इसके कारण बहुत ज़्यादा बेचैनी, पेट में दर्द, पीरियड में डिस्टर्बेंस होना, पीरियड में क्लोटिंग होना, ये दिक्कतें बनती हैं। एक्स सही समय पर ना बनना, सही समय पर बना तो रैप्चर ना होना, इत्यादि और भी बहुत सी दिक्कतें बन जाती हैं। तो मुख्य तो इस यही है, हर महिला चाहती है कि माँ बनूँ, माँ बनने में कई बार दिक्कत आती है। तो इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि बीमारी छोटी है लेकिन इसके भयानक रूप हैं, इसका ट्रीटमेंट ज़रूर करा लेना चाहिए। बिल्कुल, और ऐसी समस्याओं जो ऐसी बीमारियां होती हैं इनको अवॉइड करना तो बहुत ही ज़्यादा घातक साबित हो सकता है। जी, हमारी टीम ने आपके एक पेशेंट से बात की थी, तो सुन लेते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। जी, मेरा नाम लक्ष्मण दान सारन, गांव राजलदेसर, राजस्थान से हूँ। मेरे को माइग्रेन हो गया था, मेरे को कुछ भी याद नहीं रहता था, पेट दर्द था, वजन घटना शुरू हो गया था, कई बीमारियाँ हो गई थी, तो मैंने अंग्रेजी दवाइयाँ ली, मेरे को कुछ भी फायदा नहीं हुआ। फिर मैं तमिलनाडु में रहता था तो होम्योपैथिक दवाई लेनी शुरू कर दिया। वहाँ पर एक डॉक्टर कापा गणपति है, अच्छे डॉक्टर है, उनके पास से मैं 3-4 साल तक दवाई ली लेकिन वहाँ पर भी मेरे को कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। मैं डॉक्टर साहब से आके मिला तो डॉक्टर साहब ने मेरे को दवाई दी। दवाई देने के बाद में मेरे को 2-1.5 महीने के बाद में धीरे धीरे फर्क पड़ता एकदम ठीक हो गया, पेट दर्द भी ठीक हो गया और माइग्रेन भी ठीक हो गया और वज़न घट रहा था। मेरे को वज़न 58 किलो हो गया था, अभी मेरा 75 किलो वज़न है, एकदम ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। तो वैजी, ये आपके पेशेंट थे लक्ष्मण दान चारण जी, जो राजस्थान से है, और इनका प्रॉब्लम ये था कि कई सालों से इनको माइग्रेन का प्रॉब्लम था, इनके वज़न भी घटने लगा था, शरीर में दर्द रहता था और कई तरह की एलोपैथी दवाइयाँ भी ली लेकिन उसके बावजूद भी कोई असर नहीं हुआ। लेकिन जब से इन्होंने आपका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया है काफ़ी हद तक ये बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। तो कैसा क्या ट्रीटमेंट आपने इनको दिया? अच्छा जी, मॉडर्न साइंस में जो सिर का दर्द समझ में ना आए उसको कहते हैं माइग्रेन, और आयुर्वेद के हिसाब से जब सूरज निकले तब दर्द शुरू हो और सूरज ढले तो दर्द की समाप्ति हो, इसको अर्धकपाली भी कहते हैं, ये आधे सिर में होता है। वैसे माइग्रेन के कई कारण हैं, एक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के कारण दर्द होना, आँखों की कमजोरी होना, साइनस होना, बहुत ज़्यादा जुखाम होना, सिर की नसें कमज़ोर पड़ना, BP का हाई होना, कॉन्स्टिपेशन होना और बहुत ज़्यादा गैस बनना, और कभी कभी कोई आदमी बहुत ज़्यादा तनाव पाल लेता तब भी इस प्रकार की दिक्कतें बनती हैं। और माइग्रेन के लिए मैं इतना कहूँगा, मॉडर्न साइंस में इसका कोई बहुत अच्छा सोल्यूशन नहीं है लेकिन आयुर्वेद में 4 से 6 महीने में किसी भी प्रकार का रोगी हो निश्चित रूप से ठीक हो जाता है। और आयुर्वेद का एक क्वाथ है पथ्यादि क्वाथ, त्रिफला यानी कि हरड़ बेड़ा आंवला, त्रिफला हल्दी गिलोय और ले किरात, गुड़ घोल के पाई ये सर्व शीस हो जात, यानी के त्रिफला हल्दी गिलोय किरात यानी के चिरायता, इन सब के काढ़े में गुड़ मिलाकर उबालकर हम सेवन करें दिन में एक बार कभी भी,
इसका नाम है पथ्यादि क्वाथ। तो ऐसा हो नहीं सकता कि दर्द में आराम ना मिले। और साथ में आयुर्वेद की एक बहुत अच्छी दवा है गोदंती भस्म। गोदंती भस्म के साथ मुक्ताशुक्ति और सिर सुलादि वज्र, इसको मिलाकर प्रातःकाल सूर्योदय से पहले यदि हम इसको गर्म पानी से, वैसे इसका विधान है घी और मिश्री में, लेकिन किसी किसी को घी से उल्टी या उपकाई आने लगती है, तो गर्म पानी से भी बहुत अच्छा लाभ देती है। और भोजन के बाद दिन में दो बार दो दो गोली ब्राह्मी वटी और साथ में मनोहर बूंद राम फल वटी, मैंने इनको दो बार सेवन के लिए दी। भगवान के आशीर्वाद से 3 से 4 महीने के अंदर अंदर इनका माइग्रेन किल हो गया। जो इनका वजन घट रहा था उसके लिए मैंने इनको दिया रसायन प्राश। इसके सेवन से इनको शरीर में तो लाभ मिला ही, जो वजन घट रहा था वह रुका, और आपने देखा भगवान के आशीर्वाद से अब ये बिल्कुल स्वस्थ है। वैद्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ ये सभी बातें शेयर की। वैद्य जी इसी बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, तो जान लेते हैं उनकी क्या है समस्या। जी हेलो। हेलो हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मनसा देवी है। जी मनसा, आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं नैनीताल से। जी आप अपना सवाल पूछें। सर वो एक्चुअली मेरे को 15-20 दिन से लेफ्ट साइड में नोज और हाफ हेड में पूरा दर्द हो रहा है। जी और सांस लेने में ठंडा सा और मतलब पेन बना हुआ है रेगुलर। ठीक। तो मैंने स्टार्टिंग में ईएनटी वाले दिखाया था, तो उन्होंने एंटीबायोटिक दी 10 दिन के लिए, तो मैं पूरा कोर्स करी तो कुछ दिन सही रहा उससे, लेकिन अभी कुछ दिन बाद से फिर स्टार्ट हो गया। कहीं आपको साइनस की दिक्कत तो नहीं है? हाँ वो बोल रहे थे कि साइनस की दिक्कत हो सकती है आपको। ठीक। लेकिन पूरा कोर्स करने के बाद फिर से वही, और मैं रेगुलर वही भात लेने का और ये सब कर रही हूँ। आपकी और लोम विलोम ये सब। आपकी उम्र कितनी है बहन जी? मेरा है 43। और कोई दिक्कत? और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। देखो आप मेरे को स्टार्टिंग में थोड़ा जुखाम वुखाम लगा था, खांसी हुई थी, मतलब जुखाम भी नहीं। जी और अभी तो खांसी भी नहीं है, जुखाम भी ऐसा कुछ नहीं है, नाक भी बंद नहीं है, लेकिन पेन रेगुलर है। ठीक बहन जी, बहुत अच्छा होगा कि आप जैसे भाप ले रहे हैं उसको रेगुलर लेते रहे। कुछ लोग भाप लेने के बाद कमरे से बाहर निकल जाते हैं, तब लाभ की बजाय हानि होने की आशंका ज़्यादा रहती है। आप जब गर्म पानी की भाप लें उसके बाद कमरे से ना निकलें, और भाप लेने के बाद 5 मिनट के लिए अपने मुंह पर तौलिया लपेट लें, और पानी में और कुछ नहीं डालना, सिर्फ प्लेन वाटर की भाप लें। साथ में आप महालक्ष्मी विलास 10 ग्राम, 20 ग्राम गोदंती भस्म और 20 ग्राम आप ले लें सीतोपलादी चूर्ण और 5 ग्राम अबरक भस्म। इन चारों को मिला करके आप 40 पुड़िया बना लें। दिन में 3 बार एक एक पुड़िया शहद से, यदि उसमें 2 बूंद अदरक का रस डाल लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, अन्यथा शहद से ले लें। और बहुत से लोगों को शहद पसंद नहीं होता, सूट नहीं करता, तो आप गर्म पानी से इसको ले लें। मैं उम्मीद करता हूँ निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। और ज़्यादा दिक्कत हो तो प्रतिक्षय नाशक वटी और सितारी वटी, इन दोनों की दो दो गोली दो बार लेते रहें, आपकी ये बीमारी निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी। दही खटाई तले पदार्थ धूल और धुआं, इससे बहुत ज़्यादा बचें। बहुत सी महिलाएं जब छोंक लगाती हैं उनको छोंक के जो धुआं होता है उससे एलर्जी होती है, दिक्कत होती है, वो नोटिस नहीं कर पाते। तो जब धूल उड़ रही हो आप मुँह पर मास्क बांध लें, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। मनसा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ी, और उम्मीद करती हूँ कि आपको आपकी समस्या का समाधान ज़रूर मिल गया होगा। बाकी सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दी जा रही है, आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ही आप हमें कॉल ज़रूर करिए। चलिए अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।